हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना पंचायत राज डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जो कि पोस्ट है जूनियर पंचायत सेक्रेटरी। तो यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा इस पोस्ट के लिए। तो इसका जो डिटेल्स है मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वहाँ स्टेप बाय स्टेप। तो इसका जो स्टार्टिंग डेट है अप्लाई के 3rd सितंबर 2018 से शुरू होगा और 12th सितंबर 2018 तक इसका जो अप्लाई है ऑनलाइन आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ देख लेते हैं पोस्ट की। तो इसका जो पोस्ट होगा जूनियर पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट होगा इस पोस्ट के। एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए इसका, यहाँ पे लिखा हुआ है मस्ट हैव पास्ड द डिग्री फ्रॉम यू यूनिवर्सिटी इन इंडिया इस्टेब्लिश्ड और इनकरप्ट बाय द अंडर ऑफ सेंट्रल एक्ट। तो मतलब यहाँ पे अगर कोई भी डिग्री पा है, अगर आपके पास मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते इस पोस्ट के लिए। इसके साथ साथ नीचे लिखा हुआ है जो कि एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम जो कि 18 ईयर्स से आप अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम जो रहेगा 39 ईयर्स तक। तो 18 to 39 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इसके साथ साथ जो कि 31/8/2018 तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे जा उसका बाद लिखा हुआ है द अपर एज लिमिटेड प्रिस्क्राइब अबव द हाउ एवर रिलैक्सेबल इन फॉलोइंग कैसेस। तो यहाँ पे जो कि कास्ट है SC ST OBC या एक सर्विस मैन के लिए जो कि एज जो कि होगा एक 5 ईयर्स के जो होगा SC ST के लिए एंड एक सर्विस मैन के लिए होगा 3 ईयर्स, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 ईयर्स एंड तेलंगाना स्टेट एम्प्लॉयमेंट के लिए 5 ईयर्स तक आप जॉब कर सकते, एक्स्ट्रा जॉब जो कि कर सकते हैं। फीस जो लगेगा यहाँ पे 800 रुपीज़ फॉर जनरल कैंडिडेट एंड 400 रुपीज़ फॉर SC ST के लिए। तो मोड अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के थ्रू आपको ये आपको जो पैसा है आपको यहाँ पे देना होगा या ड्राफ्ट करना होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिलेबस क्या रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेपर वन में जो कि रहेगा जनरल स्टडीज़ एंड मेंटल एबिलिटी कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ तेलंगाना। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 100, ड्यूरेशन रहेगा टाइम 120 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स जो होगा 100। पेपर टू में रहेगा तेलंगाना पंचायत राज एक्ट 2018, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम अदर गवर्नमेंट स्कीम। इसका जो क्वेश्चन रहेगा 100, ड्यूरेशन सेम रहेगा 120, मैक्सिमम मार्क्स जो भी वो सेम ही रहेगा। इसके साथ साथ जॉब की डिस्क्रिप्शन जो कि है यहाँ पे लिखा हुआ है द जूनियर पंचायत सेक्रेटरी सेल डिस्चार्ज द ड्यूटीज एंड परफॉर्म द रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीज टू द पंचायत सेक्रेटरी अंडर द तेलंगाना पंचायत राज एक्ट 2018 एंड एनी अदर ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रस्टेड बाय द गवर्नमेंट कंपनियंसर PRRE एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसके साथ साथ जो कि आपको सैलरी रहेगा 15,000 पर मंथ, यहाँ पे आपको सैलरी जो कि रहेगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए आपको ऑनलाइन में जाके आपको जो कि अप्लाई करना होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो कि वेबसाइट दिया हुआ है ये www.tspri.cgg.gov.in। इस वेबसाइट में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है अप्लाई करने में आप लोग यहां पे जो कि लिखा हुआ है हेल्पलाइन नंबर 9493461808 आप लोग कॉल करके यहां से पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और नीचे और एक भी बात लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग सर्टिफिकेट मस्ट बी केप्ट बाय द कैंडिडेट टू द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन आफ्टर फाइनल सिलेक्शन। अगर आप फाइनल सिलेक्शन
हो जाते हो। उसके बाद आपको आधार कार्ड या आईडी प्रूफ, इस तरह जो कि वेरिफिकेशन है, आईडी है, आपको ये सारे लेके जाना होगा। प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल स्टडी सर्टिफिकेट, ये सब लेके आपको जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड, ये था तेलंगाना स्टेट पंचायत राज जो कि डिपार्टमेंट में न्यूली जो रिक्रूटमेंट आया था, इसका ऑल डिटेल है। तो फिर अगर आप चाहते हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। फ्रेंड, थैंक यू।